नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दुख दुख की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध तो बताते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणं भी दुखा, पिए ही विपयोगा दुखा, अपिए ही संपयोगा दुखा, यम भी इच्छं न लब्धि तम भी दुखा, संकित्ते न पंचखंड उपादान दुखा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध दुख यानी सफरिंग इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें जो जाति, जरा, व्याधि और मरण है, ये तो इसके रूप के एस्पेक्ट है, शरीर के एस्पेक्ट्स है, और बाकी जो है वो मन के एस्पेक्ट। तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो जाति, जरा, व्याधि, मरण। जाति तो हमारी हो चुकी है तो उसको हम रोक नहीं सकते। जरा यानी वृद्धत्व, तो वो तो आने ही वाला है, उसको भी हम रोक नहीं सकते। व्याधि, शरीर में कोई व्याधि हो तो उसका हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते। और आखिर का मरण यानी मृत्यु, वो तो कोई भी रोक नहीं सकता। तो इस तरह से ये एक चीज घट चुकी है, बाकी चीज हम रोक नहीं सकते, तो उसको तो हमें भोगना ही है। लेकिन इसके बाद का जो भाग है, प्रिय ही विपयोगा दुखा, यानी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, अप्रिय ही संपयोगा दुखा, यानी अप्रिय व्यक्ति का सहवास, उसका संपर्क दुख है। यम भी इच्छा न लगती तम दुख, यानी जो हम इच्छा करते हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो वो भी दुख है। संकित्ते न पंचखंड उपादान दुख, और सब संक्षिप्त में ये पांच खंड है, उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो दुख। तो ये जो आखिर के हैं वो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें काफी गुंजाइश है कि हम उसको रोक सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। तो हम में जो भी प्रिय ही विपयोगो दुख, यानी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, ये दुख है। तो प्रिय व्यक्ति, हम किसी को प्रिय कहते तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, हमारा लोभ हो जाता है, तो उसका बिछड़ जाना हमारे लिए दुख का कारण होता है। अब ये ही संपयोग और दुख, अप्रिय व्यक्ति है जिससे हम द्वेष करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उसके संपर्क में आने से, वो हमारे सामने होने से हमें दुख उत्पन्न होता है, यानी यह द्वेष भावना, या कोई भी चीज नहीं चाहिए, इस तरह से हमारे विचार होते हैं। यम भी इच्छा न लगती तम भी दुखा, यानी जो भी हमारी इच्छाएं होती है उनके अनुसार अगर ना हो तो उसका भी हमें दुख होता है। तो ये सारी चीजें, राग, द्वेष, मोह, यही है, और इनके अलग अलग रूप होते हैं, तो उनके वजह से हमें दुख उत्पन्न होता है।
तो उनको हमें जानना बहुत आवश्यक है। इनको पाली में किलेशा कहते हैं। किलेशा के वजह से ये हमारे मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो हिंदी या मराठी में दुर्गुण कहते हैं। दुर्गुण यानी दु यानी दुख देने वाला, या बुरा या अच्छा नहीं है, सकारात्मक नहीं है, इस तरह से ये गुण होता है। लेकिन ये अच्छा गुण नहीं होता है, दुर्गुण होता है, बुरा होता है। इससे हमारे मन को अशांति महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और उसको दुख कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिफाइलमेंट कहते हैं। डिफाइल यानी कोई भी चीज के ऊपर मिट्टी धूल जमा होना, या अगर कोई शीशा है तो उसके ऊपर मिट्टी धूल गंदगी जमा हो जाती है, और वो फिर उसकी जो चमक होती है वो खो देते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा बादलों से ढक जाता है तो उसकी वो चमक होती है वो खो देता है, या हमें दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे सूरज होता है, अगर वो बादलों से ढक जाए तो हम उसकी चमक नहीं देख पाते। तो उसी तरह से जो हमारा मन है वो इन दुर्गुण के वजह से ढक जाता है, उनके ऊपर इनका मैल आ जाता है, धूल आ जाती है, और फिर वो चमकते नहीं है। मन अपना चमक खो देता है। और ये उसको चमक उसको वापस देना, यानी इन दुर्गुणों को दूर करना, उनका त्याग करना, ये हमारा पहला मुख्य ध्येय है। अगर हम दुर्गुणों का त्याग कर पाए तो फिर धीरे धीरे हम निर्वाण की तरफ, जो हमारा परम सुख है, उसके तरफ हम जा सकते हैं। तो ये जो दुर्गुण है वो उनको अकुशल भी कहा जाता है, जो कुशल नहीं होते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जो चित्त है वो कुशल या शोभम शोभमन शोभन शोभनम सुंदर भी हो सकता है, लेकिन ये जो अकुशल है उनको आपको दूर करना पड़ेगा। तो ये चमक जब मन की या चित्त की इन दुर्गुणों से ढक जाते हैं, तो हमारा चित्त है वो परेशान हो जाता है, उसमें बेचैनी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें लोभ, हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, हमारे मन में गर्व महसूस होता है, मत्सर आ जाता है, आलस्य आ जाता है, सुस्ती होती है, शंका उत्पन्न होती है, डर पैदा होता है। तो ये सारी जो है ये राग द्वेष मोह के ही अलग अलग रूप होते हैं। तो इनको हमें पहचानना चाहिए, हम इसको पहचान सकते हैं। और जब हम इनको पहचान सकते हैं तो एक हमारा पहला कदम होता है कि हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर धीरे धीरे से हम उनसे दूर हो सकते हैं, उनका त्याग कर सकते हैं। इनका अस्तित्व कभी भी हमारे मन को शांति नहीं देता, हमारे मन की शांति इनका अस्तित्व छीन लेता है, और हमारे मन की शांति को तो बेचैनी से हम अनइजीनेस या बेचैनी महसूस करते हैं।
तो अगर ये बेचैनी दूर करनी है, अगर ये अशांति दूर करनी है, अस्वस्थता दूर करनी है, हमारा राग या चिड़चिड़ापन, किसी के प्रति गुस्सा या मत्सर, इनको दूर करना है, तो हमको उनका त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करने के लिए हमें उनको पहचानना आवश्यक है, और पहचानने के लिए हमें अपने मन को स्थिर करना आवश्यक है। एक कोई भी एक विषय पे अगर हम अपने चित्त को, मन को स्थिर कर पाए, तो फिर वो उस चित्त मन में क्या हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, उसको हम देख पाएंगे। अगर उस उत्पन्न होने वाले चीज को हम देख पाए, तो ये पहला हमारा कार्य होगा कि हम समझ रहे हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। जब हम समझ लेंगे दुख का कारण क्या है, तो फिर उसका निरोध करने का भी हमें रास्ता मिल ही जाएगा, और वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। हम हमारी जो शरीर है, काया है, उसको गंदा होने से रोकने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हम रोज सुबह सवेरे स्नान करते हैं कि ये हम हमारा शरीर गंदा ना हो। फिर ये सही तरीके से रहने के लिए हम भोजन आहार देते हैं कि इसको पोषण मिले और ये सही तरीके से चलता रहे। और विभिन्न आभूषणों से हम इसको सजाते भी हैं। इसको अच्छा रखने के लिए हम शारीरिक कसरत भी करते हैं। तो यह सारी चीजें हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते रहते हैं। लेकिन हम कभी हमारे चित्त के तरफ, मन के तरफ नहीं ध्यान देते। इसको भी हमें मैला होने से, गंदा होने से बचाना चाहिए। इसको भी हमें अच्छे विचारों से उसका पोषण करना चाहिए। इसको भी हमें अच्छे विचार हमें उत्पन्न हो, बुरे विचार हमसे दूर हो जाए, ऐसे कसरत करनी चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने चित्त को, मन को जानना आवश्यक है। चित्त को, मन को हम कब जान पाएंगे? जब हम उसको देख पाएंगे, हम उसका निरीक्षण कर पाएंगे। हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो आदतें होती है, वही हमें हमारे चित्त में दिखाई पड़ती है, और वही आदतें हमारे विचारों में दिखाई पड़ती हैं। तो इसके लिए जो शुरुआत होती है, शुरुआत में हम जब देखते हैं कि हमारा स्वभाव काफी चंचल है, हम किसी भी छोटे बेटे बात पे गुस्सा हो जाते हैं, हम किसी भी चीज से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भी हमारी एक आदत है, हमारे डिफाइलमेंट है, जो हम हमारी गलतियां, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं करते। हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करके हम अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं। जैसे हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो भी है, जैसा भी है, मैं उसका निरीक्षण करूंगा, उसका स्वीकार करूंगा, तो फिर हम देख पाएंगे कि हमारे जो दुर्गुण हैं, डिफाइलमेंट्स हैं, क्लेशा हैं, वो किस तरह से उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे। एक दुर्गुण उत्पन्न होता है, जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा और उसके
प्रति हमारे भावनाएं अच्छी नहीं है, हमें गुस्सा आता है या हम उसका द्वेष करते हैं, तो जैसे हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में एक बेचैनी द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और अगर वो व्यक्ति काफी देर तक हमारे सामने रहे तो वो गुस्सा द्वेष और बढ़ते रहता है और बढ़ते रहता है। और अगर कुछ कहा सुनी हो जाए तो फिर हम उनको या उस व्यक्ति को शारीरिक इजा या मानसिक इजा यानी गाली गलौज भी कर सकते हैं। तो ये जैसे एक दुर्गुण है उसके साथ फिर और भी साथ में आ जाते हैं। और फिर हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपने आप को संयमित नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए जब जब भी हम अपने चित्त को देखना शुरू करेंगे, पहले क्षण हम जब जानेंगे कि आप मुझे मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, तो हम वहीं पे उसको देख के उसके ऊपर अंकुश लगा पाएंगे। और जब ऐसे हम बहुत सारे घटनाएं देखते हैं कि हर बार किसी भी व्यक्ति या कोई भी घटना से हम बार बार व्यथित हो रहे हैं, बार बार गुस्सा हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बुरे इंसान हैं। हम हमें कोई आशा नहीं कि हम उस इन चीजों से दूर हो सकते हैं, हम इन चीजों का त्याग कर सकते हैं। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो क्लेश है, जो दुर्गुण है, ये भी अनित्य है। ये जैसे आराइज होंगे ये नष्ट भी हो जाएंगे। हम देखते हैं कि अगर हमें किसी घटना पे, व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो एक समय के बाद वो गुस्सा हम देखते हैं कि शांत हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। जैसे समय बीतता है तो जो भी हम आहत है, गुस्सा है, तो वो खत्म हो जाता है। तो ये इनका स्वभाव है, तो इनको भी हमें इस स्वभाव को भी जानना चाहिए। इनके उत्पन्न से हम दुख महसूस करते हैं तो ये भी हमें जानना चाहिए। और ये हम ये सोचते हैं कि अब हमें जानकारी हो गई है कि ये दुर्गुण है और इनके वजह से हमें दुख होता है, तो हम ये चाहते हैं कि इनका उत्पन्न ये उत्पन्न ना हो, लेकिन फिर भी ये उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो ये भी अनात्मा है, यानी ये हमारे बस में नहीं, या इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक कड़िया जुड़ जाती है या कोई एक माहौल बन जाता है, परिस्थिति बन जाती है। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो दुर्गुण है ये भी अनिच्छा दुख है, अनात्मा है। और जैसे हम ये समझ पाएंगे तो हम इनके बारे में जो हमारी चिंता होती है या डर होता है तो वो दूर हो जाता है। और हमें समझ में आता है कि हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं, इनके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। और चिंतन करके जो पहले क्षण में हम उनको जान लेते हैं, तभी हम जो हमारी चिड़चिड़ापन या गुस्सा आगे बढ़ने वाला होता है उसको हम वहां पे नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इनका स्वभाव है। और ये सिर्फ एक मेहमान की तरह आते हैं और बाद में निकल जाते हैं। तो इनका जो
उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये अलग अलग कारण और परिस्थिति के वजह से होता है। ये जो हमारे आखर का भाग था, संकित्ते न पंच खंड उपाद दुख, यानी ये जो हमारे पांच खंड है, संज्ञा खंड, संकार खंड, वेदना खंड, इनके वजह से इनका अस्तित्व होता है। और फिर इनके उत्पन्न होने से हमारे शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है। हम जब भी खाने की मेज पे जाते हैं, सामने खाना देखते हैं, तो हमारे मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है वो खाने के प्रति। और अगर वो खाना कोई हमसे छीन ले या दूर कर ले या हमें न दे, तो फिर हमें उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ जाता है, चिढ़ आ जाती है। तो इस तरह से एक के बाद एक दुर्गुण हम में उत्पन्न होते हैं, और फिर इन दुर्गुणों के साथ हमारा जो शरीर है, इन दुर्गुणों का गुलाम हो जाता है। जैसे हमने कोई खाना देखा, हमारे मुंह से लार टपकने शुरू हो जाती है। हम कितना भी सोचे कि हम इनको नियंत्रित करें, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमारा पेट भरा होगा तो भी अगर स्वादिष्ट चीज है तो हमारी लार बहना शुरू हो जाती। तो ये सारी चीजें, कंडीशंस यानी परिस्थिति, धारणाएं के अनुसार होती है। और जब हम हमारा चित्त को वर्तमान में रखेंगे, वर्तमान में जब वो रहेगा, तो हम देखेंगे कि ये दुर्गुणों का एक बदलाव वाला स्वभाव है, बदलाव वाला नेचर है, और उनका खुद का अस्तित्व किसी परिस्थिति पे या किसी घटना पे निर्भर है। तो ये जब उनका स्वभाव हम जानेंगे, तो वो अपने आप ही वो हट जाएंगे या दूर हो जाएंगे। जब हम हमारे चिंतन से या हमारे उनके देखने से जब हम उनको दूर कर पाते हैं या वो हमसे दूर हो जाते हैं, तो इसको ही कहते हैं अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा। जब बार बार हम इनको देख पाएंगे, तो बार बार हम इनके ऊपर चिंतन कर पाएंगे, जब इनके कोई एक चीज घटना घटती है और हमें गुस्सा आता है, या हम कह सकते हैं कि प्रेम भी हमें आ जाता है किसी वस्तु के ऊपर, तो प्रेम और गुस्सा ये दोनों ही राग और द्वेष के चीजें हैं। तो हम जब देखेंगे कि इसका मूल कारण क्या है, किस चीज के वजह से हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, किस चीज के वजह से हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम अगर उसके मूल तक पहुंच पाए, जैसे कोई खाने के वस्तु देखें, तो खाने के वस्तु देखने के बाद, हर चीज खाने की वस्तु देखने के बाद हमारा मन ललचाता नहीं, लेकिन जब हम उस चीज को पहचानते हैं और हमने उसका स्वाद चखा होता है और हमें वो पसंद आई होती है, तभी उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, वो ज्यादा प्रभावी होता है, जो हम पे हावी हो जाता है। कोई चीज हम जानते नहीं है, उनका स्वाद के बारे में हम अनभिज्ञ हो, हम जानते नहीं उसका स्वाद कैसा है, तो उतने वो हमारे में प्रभावी नहीं होते। तो ये सारी परिस्थितियां होती है, तो ये परिस्थिति के वजह से उनका अस्तित्व होता है। ये राग द्वेष मोह जो है, ये कुछ समय के हमारे मन में होते हैं,
इनको टेम्पररी स्टेट्स ऑफ माइंड कहते हैं। वो आते हैं हमको परेशान करते हैं, वो आते हैं हमें परेशान करते हैं, और ये हम परेशान होते रहते हैं बार 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 बार, क्योंकि हम उनको देख पाते नहीं, हम उनको समझ पाते नहीं, हम उनके जो स्वभाव है उसको समझ नहीं पाते। जब हम उनको निरीक्षण करेंगे, हम देखेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो हम उनको देखते ही उनको उनका त्याग करना शुरू कर देंगे। तो ये रिपीटेटिव प्रोसेस होती है। एक दिन किया और हम रुक गए, तो अगली बार वो और ज्यादा शक्तिशाली होके आएंगे। अगर हम बार बार ऐसे करेंगे तो उनकी शक्ति जो है क्षीण होती जाएगी, और बहुत दिन के बाद ये हमसे दूर हो जाएंगे, हम उनका त्याग कर पाएंगे। भगवान बुद्ध ने भी यही किया था। ये आसान नहीं है, जानते हैं आसान नहीं, लेकिन ये हम कर सकते हैं। अगर भगवान बुद्ध एक मनुष्य थे, उन्होंने किया। जो संघ देखते हैं हम, उनमें भी हम देखते हैं कि बहुत से भिक्कू है जो बहुत शांत होते हैं, उनके उनके मुद्रा पे एक शांति होती है। तो वो भी उन्होंने भी ये सब किया हुआ है, इसके लिए वो शांत है, उनके इसके लिए दुर्गुण उनको टच नहीं कर पाते, और वो अपना जो स्वभाव है इसको चेंज नहीं कर। तो ये डिफाइलमेंट्स हमारा जो चमक है हमारे चित्त की, उसको छीन लेते हैं और हमें हमको दुख प्रदान करते हैं। तो सारी जितने डिफाइलमेंट्स है, सारे के दुर्गुण है, सारे क्लेश है, वो सारे हमें दुख देते हैं, सारे दुख ही है। तो जब हम उनको देखते नहीं, उनको समझते नहीं, तो जो है दुख उसकी मात्रा है या उसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती। और अगर हम उनको समझ नहीं पाए, तो अगर हम धम्म के मार्ग में हम उसको समझ पा रहे, हम चित्त को भी स्थिर कर पा रहे हैं। चित्त को स्थिर करने के काफी लाभ है कि एक विषय पे जब हम चित्त को स्थिर कर पाते, तो चित्त का भी एक स्वभाव होता है, वो उस स्थिति को कंटिन्यू रखने की कोशिश करते। जैसे हम ध्यान को बैठे, चित्त स्थिर है, तो मन में विचार आ रहे, तो चित्त की ये स्थिति होती है कि वो विचार को बार बार लाते रहते हैं। फिर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर वो कम हो जाते हैं। इसी तरह जब हम और साधना करते और साधना करते और चित्त को स्थिर करते हैं, तो फिर वो चित्त भी स्थिर रहने की उसकी एक अपनी खुद की खुद का स्वभाव होता है। तो जब हम ये देख नहीं पाते, तो हम बार बार गुस्सा करते रहते हैं, बार बार हम किसी कोई भी घटना हो तो उसको निगेटिव वे में उसको लेख लेते हैं। और जब ये बहुत बार होते रहता है, बहुत बार होते रहते, तो फिर हम हमारा स्वभाव वो गुस्सेल हो जाता है, या किसी भी चीज को नकारात्मक देखने का हो जाते हैं। उसके वजह से हमें एक नैराश्य की भावना आती है और हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमें भी इस दुख से बाहर आने के लिए, इस नैराश्य से बाहर आने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, हमें इनको त्याग करना पड़ेगा। हम उनको हमें हमें छुए नहीं, इसके बारे में भी हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। जैसे लास्ट इसमें हम 8 लोग को धम्म की बात, तो उस वो हम तक आने भी नहीं चाहिए। कुटस्य लोक धम्मे हि चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम क्षेमम एतन मंगल। तो ये मंगल होता है कि ये लोक धम्म है, ये जो दुर्गुण है, ये हमें छू भी नहीं पाए। कुटस्य यानी हमें छूना,
और अगर हमका हमारा चित्त उससे अगर कंपित नहीं होता है तो ये मंगल है। कंपित नहीं होना यानी हमें दुख की भावना नहीं होना या अस्वस्थता का भावना नहीं होगा। तो जब हम हमारे प्रयास करेंगे और हमारे चित्त के जो पहले वाली चमक अगर उसको प्राप्त हो जाए तो हमारा चित्त आनंदी होगा, उसमें एक सुख होगा। तो इसके लिए ये जो हमारा जो कौशल्य है कि हमें दुर्गुण पहचानने हैं, जानने हैं, उनको देखना है, उनके ऊपर चिंतन करना है, तो ये जब जब हम ये हमारा जो कौशल्य हम बार 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 इसको यूज करेंगे, बार बार इसका प्रयास करेंगे, तो हम आगे जाके उसमें बहुत अच्छी प्रगति कर लेंगे। और फिर ये दुर्गुण क्लेशा हमें छू भी नहीं पाएंगे। ये सारे जो दुर्गुण है ये भी मोह, मोह राग और द्वेष, राग के अपोजिट द्वेष होता है, ये एक ही होता है, लेकिन कोई चीज चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए, इन दोनों के अलग अलग उसके रूप होते हैं। लेकिन अंततः ये सारे मोह के इसमें आते हैं क्योंकि अविद्या है, हम इनको जानते नहीं, हम इनको पहचानते नहीं, तो ये अविद्या के रूप में होते हैं, अविद्या होते हैं, तो ये हमारे माइंड को डेल्यूड कर देती है, मोहित कर देते हैं। तो हमेशा ये हमारी जो चाहिए 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 या नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जब इस चीज को हम त्याग कर देंगे, इसका हम लेट गो कर देंगे, तो जो उसके बाद हमारे चित्त में शांति होगी, पीस होगा। हमारी आदत होती है हर टाइम हमें कुछ और अच्छा और अधिक चाहिए होता है, और इसमें हमारा चित्त में पुलिंग पुशिंग में चाहिए नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, इसी में हम लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें थकावट करने वाली होती है, इसके लिए हम थक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को देखना है और उनको, ये जो हमारी आदतें हैं चाहिए नहीं चाहिए या हमने जो हमारे आदत ही कह सकते हैं स्वभाव बन चुका है, तो उसको हमें रोकना चाहिए। सभ्य संखार अनिच्छ, हमें जानना चाहिए कि सारे संखार अनिच्छ है, तो ये खत्म होने की, और ये जो संखार या जो हमारी प्रतिक्रिया करने की जो आदत है, जब हम इसको खत्म कर देंगे तो अपने आप ये वो हमें उत्पन्न नहीं होंगे और उत्पन्न नहीं होंगे, जो हम उसको बढ़ाते रहते। एक चीज हमें पसंद आई तो हम हमारे मन में चाहत उत्पन्न होती कि दूसरी बार भी हम उसका स्वाद चखें। जब हम पहली बार ही देख लेंगे कि नहीं ये लोभ है और ये दुख उत्पन्न करता है, तो अगली बार हम हमारे सामने वो पदार्थ होगा, हम इसको चखेंगे भी, लेकिन उसका जो उसके वजह से संखार हमारे चित्त में पैदा होगा उसको हम नहीं उत्पन्न करेंगे। हम जब ध्यान करते तो आंखें बंद करके हम हमारे चित्त को ऑब्जर्व करते, निरीक्षण करते, लेकिन हमें 24/7 24 घंटे हमें सजग रहना है हमारे चित्त के प्रति। जो भी हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है उसको हमें देखना है। अगर आप आँख बंद करें और जब आप आँख खोल के हैं
तो इसके लिए जब भी हम सजग रहेंगे 24 घंटा, तो फिर हम इनको बढ़ने से, आने से वहीं पे रोक पाएंगे। भगवान भिक्खु को जंगल में जाके या जंगल के नजदीक जाके ध्यान करने को कहते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत असुरक्षितता होती है। जैसे कभी भी किसी भी जगह से कोई जानवर आ सकता है, कोई चींटी या जो जहरीले छोटे छोटे कीटक है वो भी आ सकते हैं। तो जब भिक्खु जंगल में रहता है वो हर समय सजग रहता है, उसी तरह से हमें हर समय सजग रहना है। जब हम घर में रहते हैं, घर में सुरक्षित रहते हैं, तो हम इतनी, हमारे इसमें इतनी सजगता नहीं होती है। हम रिलैक्स रहते हैं, सारी चीजें जो भी हमें सुखदायी चीजें हैं वो हमारे सामने होती है, तो नहीं होती है। तो इसके लिए हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स माइंड में ही डिफाइलमेंट्स आ जाती है, क्योंकि हम सजग नहीं है। लेकिन ऐसे सुरक्षित स्थान पे भी हमें अपने चित्त के प्रति, उसमें जो उत्पन्न हो रहे दुर्गुण, उनके प्रति सजग रहना। जैसे भिक्खु जंगल में सजग रहता है, वैसे ही हमें घर में हमारे चित्त के प्रति सजग रहना। जैसे भिक्खु को जहरीले कीटों से या जंगली स्वापदों से डर है, वैसे ही हमारे चित्त को ये जो दुर्गुण है उनसे डर है। तो ये कंपैरिजन इसके लिए कि हमें किस तरह से सजग रहना है, उसके बारे में। ये हमारे आजू बाजू का जो जग है, जिसको हम 6 इंद्रियों से जानते हैं, वो हम सोचते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत दुख देता है, बहुत ही हमारे हमें त्रास देता है, त्रासदी देता है, हमें परेशान करता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, बहुत ज्यादा सत्य नहीं है। हम खुद ही अपने आप को दुखी बनाते रहते हैं। जो हमारी धारणा ही होती है, हम उससे अपने आप में दुख पैदा करते रहते हैं। तो इसमें एक छोटी घटना है कि एक जंगल जहाँ पे एक मोनेस्ट्री थी, उसमें भिक्खु रह रहे थे। तो उनके आजू बाजू में छोटा सा परिसर था, जहाँ पे छोटे छोटे जीव रहते थे, हरिण या टॉर्टोइज ऐसे। तो वहीं पे एक अजगर पाइथन था, और वो उस छोटी सी जगह होने के कारण उसको अपनी जो शिकार है वो बड़ी आसानी से मिलती थी, और आसानी से मिलने के कारण वो वहीं पे रह रहा था। तो वहाँ के जो मॉनेस्ट्री के प्रमुख थे, वो देखते थे कि ये अजगर है, जो पाइथन है, वो आजू बाजू के जो जीव है उनको परेशानी कर रहा है, क्योंकि वो छोटा सा इलाका है तो उसको आसानी हो रही थी, और तो इसके लिए वो वहां से जा भी नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम पकड़ के, डीप जंगल है उसके अंदर छोड़ देंगे, तो वहां के जो उसको खाना जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ बड़ी आसानी से उसको मिल रहा है, उसके वजह से वो सुस्त हो रहा है या बहुत ज्यादा वो शिकार कर रहा है। तो ऐसा सोच के वो भिक्खु सारे उनको पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी वो जो मोनेस्ट्री के प्रमुख है वो कहते हैं कि ये जो अजगर है, ये पाइथन है, बहुत लालची है। लेकिन थोड़ी देर रुक के वो फिर से कहते कि जो भी भिक्खू लालची होता है वो ज्यादा डेंजर होता है। जो जानवर होता है वो लालच के वजह से
उसका पेट भरने के वजह भरने के लिए कोई भी जीव हत्या करता है, लेकिन एक भिक्खु जिसने सारा चीज त्याग किया है और फिर भी उसके मन में अगर लालच है तो वो ज्यादा धोखादायक है। तो ये स्टोरी बताने के कारण कि एक नेचुरल जो टेंडेंसी हमारी होती है उसको हमें त्याग करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, मुश्किल होती है। इसके लिए एक अजान शाह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे एक खाली कमरा है, उसमें एक कुर्सी रखी हुई है, अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो कोई मेहमान आए तो वो देखता है कि पूरा रूम खाली है लेकिन बैठने को कोई जगह नहीं है, तो वो थोड़ी देर रुकता है और फिर चले जाता है। ऐसे बहुत सारे अगर मेहमान आए वो देखे कि कुर्सी खाली नहीं वो चले जाए, इसी तरह से हमारे दुर्गुण, अगर हम अलर्ट रहे, सचेत रहे, हम उनको बैठने को जगह ही नहीं दे, उनको स्थापित होने का मौका ही नहीं दे तो आके चले जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत सजग रहना आवश्यक है। अगर कुर्सी खाली रखी हमने, हम विचारों में गड़ गए, माइंडफुल नहीं रहे, तो आके बैठ जाएंगे और आपको तंग करेंगे। तो इसके लिए हमें सजग रहे, माइंडफुल रहना हर समय। हर समय हमारे मन में जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी नष्ट हो रहा है, उसको देखना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। और जैसे हम ये सारी चीजें करते रहेंगे, फिर हम देख पाएंगे कि हम हमें ये उत्पन्न तो होंगे ही, क्योंकि हम अभी हम अरंत नहीं हुए, ये तो उत्पन्न होंगे ही, ये डिफाइलमेंट हम में उत्पन्न होंगे ही, लेकिन हम उनको देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। और जब हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसी क्षण उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। जो पहले का जो टाइम था, जितने टाइम हम गुस्से में रहते थे, वो कम होते 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 हम फिर जानने लगते कि अरे ये गुस्से वाली परिस्थिति आ गई, लेकिन हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो ऐसे करने से हम जो जिस चीज को हम जो सुख को ढूंढ रहे, जो हैप्पीनेस को हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें इस तरह से मिलेगा, ये प्रयास करने से मिलते रहे। और बार बार करने से हम हमारा कौशल इतना विकसित कर देंगे कि सिर्फ पहले क्षण ही हम उसको समझ पाएंगे और हम उसी को वहीं से रोक, यानी हमने जो हमारी जो दुख उत्पन्न होने वाला है उसको वहीं पर रोक दिया। तो ऐसे एक एक स्टेप करते 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 हमारा जो अल्टीमेट गोल है निर्वाण, जिसमें पूरे संखार खत्म, स्टिलिंग ऑफ संखारा, तो ऐसे प्रयास कर करके, कौशल्य विकसित कर करके हम निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। तो इसी नोट पे, यही पे हम सभी को ये कौशल्य विकसित करके निर्वाण की तरफ बढ़ने का जो हमारी इच्छा है या हमारे जो प्रयत्न है वो सफल हो और हम निर्वाण के मार्ग पे हम ऐसे ही चलते रहे, यही कामना करते हुए आज का ये जो छोटा सा विषय था उसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।